हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज मैं आप सबके लिए बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ। वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, किस तरह से कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या बताया गया है, सारा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। और इसमें आपका सबसे अच्छी बात है, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा, ना ही कोई एप्लीकेशन फीस है। अगर आप फ्रेशर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपर लेवल की वैकेंसीज के लिए। सो हम ब्रीफ में इसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी है, आपके स्टेट की वैकेंसीज भी जब भी पहले आती है उसका भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल में आपको विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बात करेंगे आज हम रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, एक्सिस बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। बताना चाहूंगी, इस रिक्रूटमेंट के अलावा 4 से 5 नए नोटिफिकेशन अभी अभी आउट हुए हैं, जिसमें आपके स्टेट की वैकेंसी अलग आई है और सेंटर की अलग। उसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.colori.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको बताया भी गया कि अप्लाई किस तरह से करना है। किसी भी जॉब की तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस रिक्रूटमेंट की हम फिलहाल बात कर रहे हैं वो है एक्सिस बैंक की, जिसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बैंक की तरफ से। एज इसमें 18 से 50 साल अगर आपकी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बाकी डिटेल्स की जो उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि अप्लाई कौन कर सकता है, जॉब लोकेशन कौन सी है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जॉब की जो लोकेशन है वो भी यहाँ पे ऑल इंडिया रहेगी। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज आउट हुई है फिलहाल 3372 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, 3500 के करीब वैकेंसीज है, बढ़ती कम बढ़ती भी जाती है, इसमें कम भी होती रहती जाती है। ठीक है, क्योंकि डेली इसमें चेंजेस होते रहते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कोई भी आपको पे नहीं करनी है। ठीक है, एज लिमिट मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 50 बताई गई है। उसके बाद देखिए, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे उनको दिया जाएगा जिनके पास कोई एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, वो एक अलग चीज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखिए, इस पे आपकी जो स्टार्टिंग रहेगी 29,400 प्लस 1,27,500 तक रहेगी। पोस्ट का जो नेम है आप देख सकते हैं, ऑफिसर की वैकेंसी है, रिलेशनशिप मैनेजर की है, टीम लीडर की है, मैनेजर की है, असिस्टेंट और अदर वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपने, डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे, और ये वही लिंक है। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर शो की है, अगर आपको नीड है आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं, मैं बताती हूँ आपको अप्लाई करना किस तरह से है। जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, एक्सिस बैंक की, ये देखिए यहाँ पे अब 3341 वैकेंसीज आ गई है। ये बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है। ठीक है, कई बार ये 30,000 प्लस भी जाती है। सो जैसे इनके पास फुलफिल हो जाती है उसको ये मूव कर देते हैं। जैसे सबसे पहले जो पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेट इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है इनके पास, एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर दोनों के लिए। देखिए 0 साल का एक्सपीरियंस या जिनके पास 4 साल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, 335 टोटल पेजेस है। ठीक है, 3341 प्लस वैकेंसीज है, कम और ज्यादा होती रहती है। मान लीजिए आपने पहले वाले की डिटेल्स लेनी है, हम आपको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अप्लाई पे। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपके पास ओपन हो रही है ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे अगर आप मेल है मिस्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल है और मैरिड है यहाँ पे मिसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल है अनमेरिड है तो यहाँ पे मिस सिलेक्ट कर लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पे देखिये, फर्स्ट नेम आपने अपना मेंशन करना है यहाँ पे, देन आपने मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पैन नंबर और यहाँ पे आपने अपना रिज्यूम जो है वो अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करते वक्त ये ना प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेना, यहाँ पे सबमिट करके आपने अप्लाई कर लेना है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है
ठीक है, तो आपने इस तरह से अप्लाई करना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पहले कभी नहीं किया, तो यहाँ पे आपको बैक करके ये लॉगिन लिखा हुआ ना यहाँ पे, यहीं पे आपको न्यू यूजर की या साइन अप की ऑप्शन आएगी, जैसे कि ऊपर आ रही है। पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। अगर पहले साइन अप कर रखा है तो लॉगिन करके आपको अप्लाई कर लेना है डायरेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, वहां पे जाके आपने इजिली अप्लाई कर लेना है, ठीक है। वीडियो को कीजिएगा।